शिवसेना पर कब्जे की असली लड़ाई शुरू, बाकी खेमे ने किया दावा, उनके पास है 37 शिवसेना विधायकों का समर्थन। बाकी खेमे ने 37 विधायकों के समर्थन वाला पत्र डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को भेजा, शिंदे कैंप का ये दूसरा पत्र। पहले पत्र में 30 विधायकों के हस्ताक्षर, इस बार दल बदल कार्रवाई से बचने के लिए शिंदे के साथ है 2/3 विधायक। राज्यपाल को भेजे पत्र में किया गया दावा, गुवाहाटी में हुई शिवसेना विधायक दल की बैठक, शिंदे को विधायक दल के नेता चुनने की दी जानकारी। बागी कैंप की चिट्ठी में किया गया दावा, भारत गोगावले को चुना गया है नया चीफ व्हिप। बाकी विधायकों से निपटने के लिए शिवसेना ने उठाया सख्त कदम, शिंदे गुट के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी। विधायक बिना वजह बताए बैठक में नहीं हुए थे शामिल, इस आधार पर की गई कार्रवाई की मांग। 12 विधायकों पर कार्रवाई की मांग पर शिंदे का कड़ा पलटवार, कहा ठाकरे हमको न डराएं। शिंदे ने कहा नियम कानून हमें भी है पता, बैठक पर लागू नहीं होता है पार्टी व्हिप। शिंदे ने इशारों में बीजेपी को बताया सुपर पावर, बाकी विधायकों से बोले शिंदे सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ। गुवाहाटी पहुंचे दो और विधायक शिंदे गुट में, अब शिवसेना के 37 विधायक। कुछ और विधायक जा सकते हैं गुवाहाटी, शिंदे कैंप की बढ़ सकती है ताकत। आज उद्धव ठाकरे ने बुलाई शिवसेना के जिला नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति पर करेंगे विचार। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, हाईकमान से मिलकर बताएंगे महाराष्ट्र के सियासी हालात। संजय राउत ने किया दावा, हमारे पास अब भी बहुमत, 20 विधायक हमारे संपर्क में है। सामने आया गुवाहाटी में डटे शिंदे गुट का नया वीडियो, 9 निर्दलीय विधायक भी शिंदे कैंप के साथ। वीडियो में विधायकों से बात करते दिखाई दे रहे एकनाथ शिंदे, समर्थक बोले हर अच्छे और बुरे वक्त में रहेंगे हम साथ। बाकी विधायकों को शिवसेना का बड़ा ऑफर, संजय राउत बोले मुंबई आकर करे बात तो एमवीए से निकलने को भी तैयार। संजय राउत के बयान के बाद तेज हुई सियासत, शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी के दिग्गजों ने तैयार की आगे की रणनीति। बैठक के बाद शरद पवार ने उद्धव के इस्तीफे के कयासों को किया खारिज, बोले विधानसभा में होगा बहुमत का फैसला। शरद पवार ने शिवसेना के बाकी विधायकों को दी चेतावनी, बोले उन्हें कीमत चुकानी होगी, उद्धव सरकार ने अच्छा काम किया। संजय राउत के बयान को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ की माथा पच्ची, कहा उद्धव जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ। आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है, हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और महाविकास अघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है। शिवसेना के ऑफर के बीच गुवाहाटी पहुंचे दो और विधायक, शिंदे खेमे में शामिल हुए संजय राठौर और दादा भूसे। गुवाहाटी से शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को लिखी शिकायती चिट्ठी, हिंदुत्व से लेकर अपनी अनदेखी तक का लगाया आरोप। शिकायती चिट्ठी में शिंदे गुट ने उद्धव से पूछे सवाल, आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो हमें जाने से क्यों रोका। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव पर लगाया विधायकों की अनदेखी का आरोप, लिखा 2.5 साल में नहीं मिला मुलाकात का वक्त। शिंदे गुट के आरोपों को उद्धव के करीबियों ने किया खारिज, शिवसेना के सांसद संजय जाधव बोले मेरी तो हमेशा हुई सीएम से मुलाकात। मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कोई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। एकनाथ शिंदे जैसा अब मैं उनके बारे में नहीं बोल पाऊँ। सियासी हलचल के बीच शिवसेना ने बुलाई विधायकों की बैठक, सीएम के आधिकारिक निवास में पहुंचे सिर्फ 13 MLA। आज होगी शुक्रवार की नमाज, पूरे यूपी में अलर्ट, कई शहरों में हुआ फ्लैग मार्च। पुलिस और प्रशासन की पूरी तरह चाक चौबंद तैयारी, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा में पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च, श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के रास्तों पर कड़ी सुरक्षा। देवबंद में भी कड़ी सुरक्षा इंतजाम, SDM और CO की अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च। नोएडा में भी आज चप्पे चप्पे पर नजर, पुलिस ने फ्लैग मार्च करके दिया सुरक्षा का भरोसा। NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी नामांकन, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहेंगे मौजूद। NDA की कई दिग्गज और मुख्यमंत्री भी नामांकन के वक्त रहेंगे मौजूद, 27 को नामांकन करेंगे विपक्ष के उम्मीदवार सिन्हा। दिल्ली पहुंचे NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया स्वागत। द्रौपदी मुर्मू ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, पीएम बोले आपके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों ने सराहा। हमारे जनजन हैं,
द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए आज अलग अंदाज में दिखे सीएम शिवराज, फोटो हाथ में लेकर किया आदिवासी डांस। असम में बाढ़ से हालात अब भी विकट, आधे राज्य में जल प्रलय, मरने वालों की तादाद 107 हुई। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के पानी में डूबते शख्स को बचाया, गहरी लहरों में गिरने से जान पर आया था खतरा। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद में जुटी वायुसेना, खाने और पानी के लिए पैकेट गिराए। बरपेटा इलाके में हालात खराब, किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी घुसा। सिलचर में हालात अब भी खराब, सीएम हेमंता ने लिया जायजा, हर तरफ तबाही के निशान। हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की थी याचिका। यूपी और जहांगीरपुरी में डिमोलिशन को दी गई याचिका, यूपी सरकार ने दिया एफिडेविट, पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही किया गया डिमोलिशन। रांची हिंसा को लेकर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई, एनआईए जांच की उठाई गई है मांग। अग्निपथ स्कीम को लेकर आज वायुसेना में शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले बैच में होगी 40,000 नौकरियां। थलसेना और नौसेना भी जल्द शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन, सरकार ने कहा था स्कीम को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर आज किसान मोर्चा सड़क पर उतरेगा, देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। अग्निपथ स्कीम को लेकर सीपीएम का दावा, सरकार कर रही है हिंदू समाज के सैन्यकरण की कोशिश। बिहार में आज शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, सिर्फ 5 दिन होगा कामकाज। बिहार की सड़कों के खराब हालात को लेकर प्रशांत किशोर के निशाने पर जेडीयू सरकार, तस्वीर ट्वीट करके बताई सड़कों की हालत। चीनी वीजा केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई, चिदंबरम के बेटे कार्ति ने मांगी है अग्रिम जमानत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज, आज अखिलेश यादव ने बुलाई एसपी नेताओं की बैठक। पंजाब में आज से बजट सेशन, कानून व्यवस्था पर विपक्षी पार्टियां करेंगी सरकार की घेराबंदी। 27 जून को पेश होगा पंजाब का बजट, 30 जून तक चलेगा सत्र। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित, शहरी सहकारी बैंकों में सुधारों पर दिया जोर। इंदौर में बड़ा सड़क हादसा, बस खाई में गिरने से 6 की मौत, 40 मुसाफिर घायल। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार में सेल्फी ले रहे 3 बाइक सवार हादसे के शिकार, तीनों की मौके पर मौत। हाजीपुर में फिर शादी के जश्न में फायरिंग, देशी हथियारों से गोलियों के बीच हुआ बारबालाओं का डांस। हाजीपुर में जोहरी का कत्ल, ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की भी कोशिश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा के अस्पताल में नवप्रसूता गर्मी से परेशान, पति ने घर से लाकर लगाया पंखा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल बढ़ा, 3 महीने और संभालेंगे कामकाज। अच्छी बारिश के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुआ महारुद्राभिषेक, 5 दिनों तक शिवलिंग पर सहस्त्र जलधारा से किया जाएगा अभिषेक। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में शुरू हुआ अबूबाची मेला, 3 दिन बाद खुलेंगे मंदिर के कपाट। नेशनल हेराल्ड केस में जुलाई के आखिरी हफ्ते में दर्ज हो सकता है सोनिया गांधी का बयान, ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को दिया वक्त। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में सामने आए 5,200 से ज्यादा मरीज, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर, 25 जून को कुल्लू में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। गुवाहाटी में होटल रेडिसन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, महाराष्ट्र के बाकी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गुवाहाटी में होटल के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर नाराजगी। चेन्नई में एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक, पार्टी में नेतृत्व को लेकर विवाद। 2 दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, समर्थकों और कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़।